गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। आज जो मैं आप लोगों को फिजिक्स के बारे में बताऊंगा वो है आप लोगों का सिलेबस। कितने मार्क्स है आप लोगों के पास टोटल, सिलेबस क्या है, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, सब इस वीडियो में है। ठीक है बेटा, फिजिक्स के बारे में जितना भी आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ना है, द होल सिलेबस विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं टोटल मार्क्स जो है आप लोगों के पास फिजिक्स में, टोटल मार्क्स है बेटा 100 मार्क्स है आप लोगों के पास फिजिक्स में 11th में। तो जो हमारा थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी के पार्ट में आप लोगों के पास 70 मार्क्स है, 70 मार्क्स का पेपर आएगा आपको, और जिसमें और प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स है। ठीक है बेटा, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स है उनको थ्योरी वाला पार्ट टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड करके डिवाइड किया गया है। ठीक है बेटा, टर्म फर्स्ट में आप लोगों के पास 35 मार्क्स है सीबीएसई के लिए। ठीक है बेटा, टर्म सेकंड में भी 35 मार्क्स है। ठीक है, अच्छा, जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड को पेपर आता है ईयरली बेस्ड, पूरे साल का पेपर आता है, फुल पेपर आएगा उनको, एक ही पेपर, फुल पेपर 70 मार्क्स का, याद रखे बेटा। तो सीबीएसई को डिवीजन है टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड, लेकिन स्टेट बोर्ड को एक ही पेपर आता है, दैट इज 70 मार्क्स का पेपर, और आप लोगों को ईयरली है, उनको 6 मंथली है टर्म फर्स्ट, 6 मंथली के बाद आप लोगों को टर्म सेकंड है सीबीएसई को, लेकिन स्टेट बोर्ड को एक ही पेपर आएगा, फुल पेपर दैट कंसिस्ट 70 मार्क्स, याद रखा बेटा। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। लेकिन जो मुझे आप लोगों को अब सिलेबस बताना है कि 11th में सिलेबस क्या है, यूनिट वाइज क्या है, चैप्टर वाइज क्या है, सीबीएसई स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स है, स्टेट बोर्ड को कितने मार्क्स है, वो सब डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। ध्यान से समझिए। ठीक है बेटा, इसको मैं मिटाता हूं, ये वाला पोर्शन आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कितने क्या है मार्क्स। तो नाउ वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ फिजिक्स क्लास 11th, लेकिन यूनिट वाइज भी बताऊंगा। ठीक है बेटा, उसके बाद में आप लोगों को चैप्टर वाइज भी इसी में डिस्कस करेंगे, कितने टोटल चैप्टर्स बनते हैं, कितने यूनिट्स बनते हैं, याद रखिए बेटा, डिस्कस करने हैं आज पूरा सिलेबस क्या है। सबसे पहला बेटा यूनिट फर्स्ट है बेटा, याद रखे बेटा, या एक मिनट इधर थोड़ा सा यहां पर लिखूंगा मैं, यूनिट फर्स्ट से पहले यूनिट जीरो है, जीरो से शुरू होते हैं हमारे इसमें यूनिट्स, रीजन क्या है वो सब मैं आपको बताता हूं। यूनिट जीरो है, सबसे पहला यूनिट है मैथमेटिकल टूल्स,
मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है बेटा। मैथमेटिकल टूल्स के यहां पर मैं आप लोगों को बाद में मार्क्स यहां पर लिखूंगा मैं, स्टेट बोर्ड और इसके बाद मार्क्स सीबीएसई, अलग अलग मार्क्स है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स पर स्टेट बोर्ड एंड फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है बेटा। तो मैथमेटिकल टूल्स है, तो इसमें याद रखे बेटा, इसमें स्टेट बोर्ड में इसमें 4 मार्क्स है, लेकिन सीबीएसई में कोई मार्क्स इसका नहीं है। सीबीएसई में मैथमेटिकल टूल्स को यूज करना है, मार्क्स नहीं है, क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन सिलेबस के हिसाब से इसमें कोई मार्क्स नहीं है। द मैथमेटिकल टूल्स आप लोगों को अंडरस्टैंड करने हैं, देन यू हैव टू यूज दीज मैथमेटिकल टूल्स इन होल फिजिक्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th। अच्छा, मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है बेटा। यूनिट फर्स्ट अब शुरू करेंगे हम, यूनिट फर्स्ट का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स है बेटा पहला यूनिट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स में स्टेट बोर्ड में 5 मार्क्स है, सीबीएसई को सिर्फ इसमें 3 मार्क्स है, ठीक है बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स डिफरेंट है फॉर स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई। तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स में 2 चैप्टर्स कवर होते हैं, चैप्टर 1 यूनिट फर्स्ट में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप लोगों के कवर हो जाएंगे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 बेटा। इसी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में 2 चैप्टर्स आपके कवर होंगे, एक होगा फिजिकल वर्ल्ड और सेकंड होगा बेटा, याद रखना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है बेटा, फिजिकल वर्ल्ड सेकंड है, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स के अंडर आते हैं 2 चैप्टर्स, याद रखें। यूनिट सेकंड है बेटा, मैंने बताया यूनिट 0 से शुरू करना है, यूनिट सेकंड का नाम है काइनेमैटिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है काइनेमैटिक्स में, आप लोग याद रखिए, काइनेमैटिक्स में आपके पास स्टेट बोर्ड में 7 मार्क्स है और सीबीएसई में लेकिन 10 मार्क्स है, ठीक है बेटा। काइनेमैटिक्स 2 चैप्टर और आपको कवर करता है, चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ कवर करता है काइनेमैटिक्स, याद रखिए। तो चैप्टर थर्ड में आप लोग पढ़ोगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये बेटा चैप्टर 3 है, और चैप्टर 4 है मोशन
मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, ये दो चैप्टर्स कवर हो जाएंगे काइनेमैटिक्स में, ध्यान से समझिए। और आप लोगों को मैंने बताया स्टेट बोर्ड के 7 मार्क्स है, सीबीएसई के 10 मार्क्स है इसमें, ठीक है बेटा। यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड है आपके पास लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन के आप लोगों के पास याद रखना स्टेट बोर्ड को, स्टेट बोर्ड को 7 मार्क्स है, सीबीएसई को फिर से 10 मार्क्स है, ठीक है बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी, और इसमें चैप्टर एक ही चैप्टर कवर होगा, चैप्टर 5th, जिसको आप लोग बोलोगे लॉज ऑफ मोशन ही, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। दिस इज यूनिट नंबर 3rd और ये है बेटा चैप्टर नंबर 5। यूनिट 4th, यूनिट 4th है बेटा वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है बेटा। दिस इज यूनिट नंबर 4th और इसके भी मार्क्स है आप लोग वर्क एनर्जी एंड वर्क पावर एंड एनर्जी के आपके पास 6 मार्क्स है स्टेट बोर्ड में भी और 6 मार्क्स है सीबीएसई में भी, याद रखे बेटा। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 6 यही हो गया फिर से वर्क पावर एंड एनर्जी। बेटा कोई चैप्टर वही यूनिट कवर करता है लेकिन किसी चैप्टर में, किसी यूनिट में 2 चैप्टर्स भी है, 3 चैप्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, याद रखिए। दिस इज यूनिट नंबर 4th। यूनिट 5th, यूनिट 5th, ठीक है बेटा। यूनिट 5th मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यूनिट 5th है जिसका नाम है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, एंड रिजिड बॉडी, ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये है यूनिट 5th लेकिन इसके मार्क्स जो है वो स्टेट बोर्ड को भी है 6 मार्क्स और सीबीएसई को भी है 6 मार्क्स। कॉपी मेंटेन करनी है, इसी तरीके से लिखना है बेटा। तो नाउ यूनिट इसमें आएगा चैप्टर नंबर, चैप्टर सेवन इसमें इंक्लूड, इसके अंडर आता है जिसको बोलते हैं फिर से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड, इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ते हैं, एंड रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसमें इसके अंडर चैप्टर आता है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज के अंडर आता है चैप्टर 7 जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये चैप्टर का नाम है। दिस इज यूनिट नंबर 5th और यूनिट नंबर 6th, यूनिट सिक्स्थ का नाम है ग्रेविटेशन,
ग्रेविटेशन के मार्क्स है, याद रखना बेटा, सीबीएसई को तो 5 मार्क्स है लेकिन स्टेट बोर्ड को 6 मार्क्स है, याद रखिए, सीबीएसई को सिर्फ 5 मार्क्स है ग्रेविटेशन के लेकिन 6 मार्क्स है स्टेट बोर्ड को। तो इसमें चैप्टर नंबर 8 आएगा, दिस इज चैप्टर 8, जिसको फिर से आप लोग क्या नाम दोगे, ग्रेविटेशन। बेटा इसको बोलते हैं वॉल्यूम 1, ये जो यहां से यहां तक आता है बेटा, दिस इज वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 का मतलब आप लोग ऐसे भी समझते हो, ये वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 1 का मतलब है पार्ट 1 या बुक 1। वॉल्यूम 1 या बुक 1, 2 बुक है हमारे पास, तो बुक 1 या वॉल्यूम 1 बता दीजिए, जो 8 चैप्टर्स कवर करते हैं, यूनिट 6 करते हैं कवर, ठीक है बेटा। 6 ये 0 से शुरू होता है, इसलिए आप लोग, इन अदर वर्ड्स, इट कवर्स 7 यूनिट्स, ठीक है बेटा। बट इट कवर्स हाउ मेनी चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स प्लस यूनिट 0। ये है वॉल्यूम 1, दैट इज बुक 1। इसके बाद वॉल्यूम 2, बुक या बुक 2 बोलोगे या वॉल्यूम 2 बोलोगे, जैसे आप लोगों की मर्जी है, उसमें भी चैप्टर 8 से आगे बढ़ेंगे। ये आप लोग देख लीजिए किस तरीके से मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंड कराया सिलेबस। नाउ द वॉल्यूम 2 किस, इसी तरीके से मैं फिर से समझाता हूं, यूनिट 6 से शुरू करेंगे, ठीक है बेटा, देख लीजिए, यूनिट 6 से शुरू करेंगे हम। तो ये मैं मिटा दूंगा, ठीक है बेटा, ये सारे मिटाएंगे, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होगा, तो आप लोग ध्यान से समझिए, दिस इज नाउ द वॉल्यूम 2, सेकेंड वॉल्यूम या आप लोग बोल सकते हो बुक 2, सेकेंड बुक है या वॉल्यूम 2 बोल सकते हो। तो इसका सिलेबस है, यूनिट हमने कितने कवर किए बेटा, यूनिट आप सबको पता है, यूनिट हमने अभी तक 6 कवर किए, लेकिन 6 यूनिट कवर करने में कितने चैप्टर्स हमें कवर हुए, 8 वॉल्यूम 1 में। अब हम लिखेंगे यूनिट सेवंथ में आप लोग देख सकते हो, यूनिट 7 जो है बेटा उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। बल्क मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आप लोग याद रखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के सीबीएसई में 10 मार्क्स है, स्टेट बोर्ड में सिर्फ 7 मार्क्स है, याद रखना। लेकिन बल्क प्रॉपर्टीज में आप लोगों को, बल्क प्रॉपर्टीज में 3 चैप्टर्स कवर हो जाते हैं, चैप्टर 8 तक तो हम चले गए थे, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11, तीनों किस में, यूनिट 8 में आ रहे हैं, यूनिट 8 में, ये यूनिट 7 है, यूनिट 6, ये यूनिट 7 में चैप्टर कितने कवर हो रहे हैं, 3, चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। चैप्टर 9 को बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। शाबाश बेटा, चैप्टर 9 का क्या नाम है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सिलेबस आप लोगों को बता रहा हूं पूरे साल के लिए। अच्छा, इसके बाद होता है बेटा चैप्टर नंबर 10, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स। देन द लास्ट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर याद रखना बेटा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये तीनों किस यूनिट में आएंगे बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में। इसके 10 मार्क्स है सीबीएसई को, स्टेट बोर्ड को 7 मार्क्स है। लेकिन चैप्टर्स कितने इंक्लूड हो रहे हैं? चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 एक ही यूनिट में। ठीक है बेटा, तो इसके बाद यूनिट एट्थ का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों को सीबीएसई को तो सिर्फ 5 मार्क्स है, स्टेट बोर्ड को 6 मार्क्स है। जो बच्चा बेटा स्टेट बोर्ड का होगा वो स्टेट बोर्ड वाले मार्क्स लिखेंगे, जो सीबीएसई का स्टूडेंट है वो सीबीएसई के मार्क्स लिखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के अंडर फिर से एक ही चैप्टर आएगा, चैप्टर 12 है बेटा। चैप्टर 12 का नाम है फिर से थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये वॉल्यूम 2 बुक नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। तो देन इट इज यूनिट नंबर नाइन्थ का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। शाबाश बेटा, क्या है नाम? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या एंड behavior of perfect gas and kinetic theory of gases। 5 नंबर इसके फिर से सीबीएसई को है, 6 नंबर फिर से बेटा स्टेट बोर्ड को है। ठीक है बेटा, तो इसमें भी एक ही चैप्टर आएगा, चैप्टर को बोलते हैं सिंपली चैप्टर नंबर 13, इसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है बेटा, दिस इज चैप्टर नंबर 13। अब यूनिट 10th, लास्ट यूनिट है बेटा यूनिट 10th। यूनिट 10th को हम बोलते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स। को स्टेट बोर्ड में भी 10 मार्क्स है, सीबीएसई में भी 10 मार्क्स है, समझ लेना बेटा। तो लेकिन इसमें दो चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 14 चैप्टर 15। ठीक है बेटा, चैप्टर 14 का नाम है ऑसिलेशंस
और बेटा चैप्टर 15 का नाम है वेव्स। जो टोटल मार्क्स आप लोगों को इन सब यूनिट्स में आएंगे इसके भी बेटा बनेंगे 70 मार्क्स, इसके भी बनेंगे 70 मार्क्स, प्लस 30 मार्क्स है प्रैक्टिकल के, इसमें भी प्लस 30 मार्क्स है प्रैक्टिकल के, टोटल बनेंगे आपको 100, इसमें भी टोटल बनेंगे 100। याद रखना ये थ्योरी का पार्ट है प्लस प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स, प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स, दोनों में आप लोगों को 100 मार्क्स बनेंगे। ये याद रखना बेटा, ये जो चैप्टर्स है ये 7 चैप्टर्स वॉल्यूम सेकंड बनाते हैं या बुक नंबर 2 बनाती है, याद रखना बेटा। तो आप लोग याद रखिए, असली तो यूनिट है हमारे पास 11 यूनिट्स, 0 से शुरू किया था, और चैप्टर से हमारे पास 15, याद रखना बेटा। तो ये 11th में आप लोगों के पास सिलेबस है। सबसे पहला यूनिट याद रखना बेटा, सबसे पहला यूनिट जबानी याद रखने की कोशिश करिए, सबसे पहला यूनिट है मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स सबसे पहला यूनिट, यूनिट नंबर 0। यूनिट नंबर 1 है जिसको बोलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। यूनिट नंबर 3 जो है दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। यूनिट नंबर 4th जो है दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ मोशन। यूनिट नंबर 5th जो है वर्क पावर एंड एनर्जी। यूनिट नंबर 6th जो है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज। और यूनिट नंबर 7th जो है दैट इज ग्रेविटेशन। पहले आप लोग वॉल्यूम 1st के यूनिट्स का नाम याद रखें, जब हम वॉल्यूम 2nd शुरू करेंगे उस वक्त आप लोग इनके नाम याद रखें। इस वक्त आप लोगों को पूरे चैप्टर्स पूरे यूनिट्स के नाम रखना मुश्किल है। 15 चैप्टर है, 11 यूनिट्स है, आप लोग सिर्फ फिलहाल पहले 6 यूनिट्स का नाम याद रखिए, जिनमें से सबसे पहला क्या है बेटा मैथमेटिकल टूल्स, और नंबर 2nd पर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स, 3rd है काइनेमेटिक्स, 4th है लॉज ऑफ मोशन, 5th है वर्क पावर एंड एनर्जी, 6th है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज, और यूनिट 7th है आप लोगों के पास ग्रेविटेशन। पहले वॉल्यूम 1st का याद रखे, फिर वॉल्यूम 2nd के याद रखे। याद रखा बेटा, टोटल मार्क्स 100, 100 में से थ्योरी 70 और प्रैक्टिकल के 30। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे थ्योरी का पार्ट, चैप्टर 0 या चैप्टर ये यूनिट 0 या यूनिट 1st से हम शुरू करेंगे, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।